दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपको वेलकम करता हूं एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी ऊपर चलते हैं और जाके अपने जूसों को खोलते हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं। आप मेरे साथ रहिए, आ जाए चलते हैं। और ये देखें आप, इनको ज़्यादा खुश है। दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं, तो अभी हम इनको खोलते हैं। आजो भाई, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर अंडे दो, फिर तुम लोग के चिक्स निकलवाए। अभी इनको भी खोलते हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई। पैरेट्स को हम तो दोस्तों, ये मैं नया एक बजिस पैरेट का पैर लेके आया था, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखें, ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल और ये मेल। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पैर कैसा लगा, न्यू है। अभी हम चलते हैं और बजिस पैरेट्स को सीट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस मटके में देखें आप, आपको बजिस पैरेट की फीमेल की टेल नज़र आएगी। जूम नहीं हो रहा यहाँ से। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इनकी वीडियो बनाई है, इनके अंडों की और इनके ब्रीडिंग प्रोग्रेस की, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम इनका ताला खोलते हैं। तो अभी ताला खोलते हैं और उनको सीड प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं, सारे आराम से बैठे हुए हैं। तो काफ़ी धूप भी है आज, मौसम काफ़ी धूप भी है, लेकिन इधर अभी ठंडक हो गई, कुछ शाम का टाइम होने वाला ना। अब हम इनका सीड निकाल लें बाहर ना आ जाए। इनका बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो मैं इनका सीड निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब इनका हम सीड देते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। इनको भी सीड देते हैं ताकि ये भी खाएं। तो दोस्तों, अभी जाके बजिस पैरेट्स को सीड प्रोवाइड करते हैं। मैं इनको सीड में ये रेड वाली कंगनी और ये येलो वाली कंगनी और सनफ्लावर देता हूँ। और ये अभी मैं इनको रख देता हूँ ताकि ये खाएं। तो इनको पानी भी रखना पड़ेगा। तो ये पानी वाला बर्तन इनका मैंने रख दिया, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डाल दिया है, ये दाना खाने के बाद पानी भी पी लेंगे। अभी हम चलते हैं अपने न्यू बजिस पैरेट्स को भी सीड प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी चल के अपने न्यू बजिस पैरेट्स को भी सीड प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सीड इनको प्रोवाइड करने लगा। आप देख सकते हैं, फंस गया। तो ये मैंने इनको दाना रख दिया और अब हम इनको पानी वाले बर्तन में पानी डाल के दे देंगे।
अभी पानी भी पी लेंगे। आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारे न्यू वाले बेबी स्पिरिट्स आपको कैसे लगे। तो दोस्तों हमारे चूजे फिर से यहाँ आ गए हैं, तक कौवे अभी भी इनको तंग कर रहे हैं। वो देखें वो सामने जा कर बैठ गए कौवा। कौवे इनको बहुत तंग करते हैं, इस वजह से ये हम यहाँ आके बैठ जाते हैं। ये कौवा बैठा हुआ है तो इन कौवों का कोई ना कोई आप मेरे को हल बताएं कमेंट करके, ताकि ये कौवों से तो जान छूटे हमारी। अभी हम इनको मार भी नहीं सकते तो क्या करे आदमी के, ये हमारी जान छूट रहे। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया हूँ, तो अभी आप कुछ देर बाद अब इनको जाके ना सीट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये बाहर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इधर आओ, अब इनको बंद करते हैं दोस्तों, अब इनके बंद होने का टाइम आ गया। चलो अंदर, अब ये खुद जाएंगे अंदर। दोस्तों अब ये ऊपर जा रहे हैं इनको बंद करने के लिए, अब मैं बंद करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इनको ऊपर ले आया हूँ और इनको बंद करने लगे। चले दोस्तों, मैंने इनको बंद कर दिया है और अभी हम इनके खाने वाले बर्तन निकाल रहे हैं ताकि इनको सीट प्रोवाइड करें। तो इसको भी मैंने बंद कर दिया, तो अब इनको सीट प्रोवाइड करते हैं। अभी अंदर चले जो अच्छा लग रहा है, नहीं तो मस्ती इतनी क्यों करते हो। अभी ले के आता हूँ तुम लोग के लिए खाना, ताकि तुम लोग आराम से अपना खाना खा लो। तो चलते हैं दोस्तों, इनके लिए सीट ले के आते हैं ताकि ये भी खाएं। साथ रहे मेरे दोस्तों, इनके लिए सीट ले के आते हैं, उसको भी मैंने बंद कर दिया था पिंजरे के अंदर। बहुत तंग कर रहे थे दीवारों के, इधर तो चढ़ रही थी, मैंने कहा इसको बंद कर दी। तो इसने भी अपना दाना सुबह का खा लिया था और ये वेस्ट बहुत ज़्यादा करती है। देख रहे हैं आप कितना इसने बाजरा गिराया हुआ है यहाँ, इतना खाती नहीं जितना वेस्ट करती है। तो अब इनके लिए सीड मिक्स तैयार करते हैं और इनको प्रोवाइड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी हम इनको सीड प्रोवाइड करते हैं और आप देखिए कि मैं सीड में इनको क्या क्या देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इनको सिर्फ बाजरा और 14 नंबर फीड देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इनको बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं जो इनको चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं इनको यही देता हूँ। कोई भी चीज़ होगी लेकिन वो फीड जो है ना, वो कोई भी चीज़ जो है ना फीड की कमी नहीं पूरी कर सकती, इसलिए फीड भी इनके लिए लाजमी है, लेकिन कम क्वान्टिटी में, बाजरा ज़्यादा क्वान्टिटी में देता हूँ मैं इनको। यही है इनकी एक हेल्दी सी रूटीन। तो मैं इनके लिए सीड मिक्स डाल के आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने सीड तैयार कर लिया, अब इनको सीड प्रोवाइड करते हैं। ये देखें अब इसका दिल है फटाफट बस मेरे को मेरे सीड दे दिया जाए। इसको देते हैं सीड। तो इसको पानी भी डाल देते हैं। बस दाना पानी साफ होना चाहिए तो इनके नज़दीक कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। आप बस इसके इनके साफ बर्तनों का ध्यान रखें ताकि इनके नज़दीक कोई बीमारी ना आए। तो अभी ऊपर चलते हैं और दूसरे बर्ड्स को भी दाना खिलाते हैं। खा लो दाना, मैं देख रहा हूँ तो दाना खाना उसने बंद कर दिया। तो हम चलते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करते हम।
दोस्तों मैंने सीड मिक्स इनका लेके आ गया, तो अभी हम इनको सीड मिक्स प्रोवाइड करते हैं। इनको भी काफ़ी भूख लगी हुई है। अंदर जाओ देने लगो। ये लो अपना सीड मिक्स। कितनी भूख लगी इनको, इतने शौक से। तो मैंने इनको सीड मिक्स प्रोवाइड कर दिया और पानी भी दे रखे हैं। से मिलता हूँ। तो मैंने इनको इसको अंदर भेज दिया। फिर से बाहर आ रही है। अभी इनको बंद कर देते हैं और इसको खोलते हैं। आ जाओ भाई, ये लो खा लो। और इसको पानी भी दे देते हैं ताकि ये पानी भी पी जाए। सारा बाजरा उसमें नीचे गिरा। तो मैंने दोस्तों वो वाला जो बाजरा गिरा था मैंने साफ कर दिया है और उसको न्यू बाजरा प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने कहा ये भी कोई बात नहीं, अगर इसने गिरा दिया तो परिंदे अब उसको समझ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ये शेड अपना खाती रहेगी। लो फिर से गिरा दिया उसने। चलो कोई बात नहीं। अभी दोस्तों शाम हो रही है, आप देख सकते हैं। हेलो, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।